हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद ईशी। और आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के थ्रू करवा चौथ जयपुर में दिखाने वाली हूँ। हम फ्रेंड्स किस तरीके से करवा चौथ के इस फेस्टिवल को मनाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इसका पालन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ तस्वीर ली हूँ पूल साइड के पास। सभी अपने मेहंदी वगैरह दिखा रहे हैं, सभी बहुत खुश है, उल्लास है चारों तरफ। और अभी मैं यहाँ पे मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक मीन्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है, वहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ। शाम का टाइम है, ये करवा चौथ से एक दिन पहले का टाइम है। और यहाँ पे आप रौनक देख सकते हैं, चारों तरफ बहुत ही लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। चारों तरफ छोटे छोटे टिमटिमाते लाइट्स लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा करवा चौथ पूरा मनाया जा रहा है, उसके लिए मेहंदी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे लोगों को मेहंदी वगैरह लगाया जा रहा है, अलग अलग स्टॉल्स खुल गए हैं। यहाँ पे करवा चौथ के जो अलग अलग बर्तन वगैरह होते हैं जिससे देखा जाता है, कड़वा कहते हैं, पूजन की थाली हो गई, चलनी हो गई, वो सब बिक रहे थे। और ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे इस तरीके से मंच बना दिया गया है जहाँ पर लेडीज लोगों को मेहंदी लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, उस दिन यहाँ पे बहुत ही भीड़ था और साथ ही साथ हमारे क्लब हाउस में भी मेहंदी का आयोजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं सारे लेडीज व्यस्त थे अभी मेहंदी लगाने पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची नन्ही पड़ी जो कि बहुत ही सुंदर से हाथों को दिखा रही है अपना करवा चौथ का मेहंदी। आप देख सकते हैं अभी हम लोग सब लेडीज फोटो लेने में व्यस्त है। ये देखिए, ये एक मेरी फ्रेंड, हैप्पी करवा चौथ। और आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सभी अस्त व्यस्त है फोटो लेने में। अभी आगे का पूजा हम लोग बाद में दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की पूरन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती है। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु और सौभाग्यवती के लिए ये व्रत की जाती है। सुहागन करवा चौथ की ना करे ना।
तो आप लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं जरा बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। पता ही नहीं चल रहा कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए, इतना मजा आ रहा है कि आज का दिन ही पता नहीं चल रहा, सुबह से शाम पिछली अभी से। अरे वाह वाह, आगे का क्या प्लान है? आगे का यही प्लान है, हम लोग गेट टूगेदर करते रहेंगे इसी तरह, मिलते जुलते रहेंगे। वाह, पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने का के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती है, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही इस व्रत को करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत का करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वस्थ एवं सौभाग्य की कामना करती है, ये वह व्रत रखती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपनी सहेली के यहाँ पूजा देखने के लिए गई थी कि क्या क्या ट्रेडिशन है और किस तरीके से इस पूजे को इन डिटेल में किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन या उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता की कई मंदिर स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बड़वाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बड़वाड़ा से चौथ का बड़वाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। देखकर खाना खाऊंगी, भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग आया, अरग दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अरग दे लो। भाभियां बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात में ही उगेगा। बहन अरग देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे, उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़ कर गांठ दे देना। वो आगे आई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी, वो बोली, सीली हो सब। व्रत की विधि के बारे में बता दूं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात इस चतुर्थी की रात्रि को, जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहती है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित किया जाता है। शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक या लड्डू नैवेद्य हेतु बनाएं। करवा बनाने के लिए काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बर्तन लिए मिट्टी के कड़वे अथवा तांबे के कड़वे होने जरूरी है। तो आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स।